कैथल में 3 दिन के गीता महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार को हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने की। इस मौके पर हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें कमलेश डांडा के अलावा कैथल के विधायक लीला गुज्जर और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी ने भी आहूति डाली। 3 दिन चलने वाले महोत्सव के दौरान सनातन धर्म के विद्वान गीता के दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रसंगों का वर्णन करेंगे। बच्चों के सांस्कृतिक और श्लोक उच्चारण मुकाबले करवाए जाएंगे। विजेता बच्चों में पुरस्कार भी बांटे जाएंगे। अंतिम दिन माता गेट सूरज कुंड से गीता के प्रमुख प्रसंगों पर आधारित शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो पूरे नगर का चक्कर लगाएगी। आयोजन स्थल पर सरकारी विभागों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अपने स्टॉल भी लगाए गए हैं। गीता जयंती सारे प्रदेश में मनाई जा रही है, हर जिले में मनाई जा रही है और मेन कार्यक्रम जैसे आपको विदित है कुरुक्षेत्र में हो रहा है। तो जिला स्तर पर हमारा ये कार्यक्रम हर साल होता है, तो सारे कैथल की जनता के लिए स्पेशली हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि कैथल की जनता इसका पूरा लाभ उठाए, तो अच्छा कार्यक्रम रहेगा। और विभिन्न विभागों की जैसे आप देख रहे हैं स्टॉल्स लगी हुई हैं, सारे विभाग अपने अपने सीमों की जानकारी दे रहे हैं। आज जिला कैथल में गीता महोत्सव 2019 का शुभारंभ हरियाणा सरकार में मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी के घर कमलों एवं कैथल विधायक लीलाराम जी और जिला की प्रथम नागरिक प्रियंका सोनी जी के घर कमलों द्वारा हुआ। पूरा नगर के लिए, पूरे ज़िले के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हरियाणा सरकार द्वारा इस प्रकार का एक आयोजन जो सनातन संस्कृति के प्रभाव को, उसके गौरव को परिलक्षित करता है। इसमें हर रोज़ जो है संगोष्ठी होगी, जिसमें प्रवक्ता आएंगे जो गीता के बारे में बताएंगे, उसके उसमें जो संदेश है उसके बारे में अपने ज्ञान साझा करेंगे। जो है हमने एक कल्चरल प्रोग्राम भी रखा हुआ है, जिसके अंदर हम हरियाणा रागनी लोकगीत और इन सब का जो है आयोजन किया जाएगा। एक दो प्रोग्राम बच्चों के द्वारा भी किए जाएंगे, पुरस्कार वितरण किया जाएगा कि करीब नगर शोभा यात्रा भी ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें कि विभिन्न झांकियां जो है पूरे शहर से जो होके गुजरेंगी। नहीं, हम अपनी तरफ से जो है काफ़ी इसकी पब्लिसिटी हमने की है, शहर के विभिन्न स्थल जो पॉइंट्स हैं उस पर हमने फ्लैक्स बैनर्स भी लगवाए हैं, लोगों तक पहुँचा भी जा रहा है, ऑफिस में भी इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें पब्लिक के इसी समय यहाँ पर अपने जो है ग्रीवेंसेज या फिर जो उनको फैसिलिटी सुविधाएं चाहिए उसके बारे में यहाँ पर आके वो आवेदन कर सकती हैं, ज्ञान ले सकती हैं। तो आपके माध्यम से मैं कैथल की जनता से कहना भी चाहूँगा कि एक इस समय अच्छा मौसम है, खिली हुई धूप है, कृपया करके, और सबसे बड़ी बात वीकेंड का टाइम है, तो कृपया करके इस यहाँ पर आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। गीता के संदेश के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।